हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जानने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। तो दोस्तों, पॉइंटर होता क्या है? सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर के जरिए हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराते हैं कि कोई भी हम जो वैल्यू दे रहे हैं और जो हमने वेरिएबल ले रखा है वो उसकी जो मतलब उसकी जो प्लेस है मेमोरी में कहाँ है, जो हमें मतलब किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा है किसी भी वैल्यू की एड्रेस प्रिंट कराना और उसकी वैल्यू प्रिंट कराना। सबसे पहले हमें अपना यहाँ void main लगा लेना है। void main लगाने के बाद हमें इंटीजर ले लिया, यहाँ इंटीजर i जिसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 3। अब हमें क्या करना है, printf। एंड सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ एड्रेस ऑफ i की वैल्यू प्रिंट करेंगे, मतलब i जो हमारे एड्रेस है, वेरिएबल जो हमने लिया i, उसका एड्रेस क्या है और ये मेमोरी में कहाँ स्टोर हो रहा है। तो हमें यहाँ लिख लेना होगा एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ i इज इक्वल टू परसेंट u। वैसे दोस्तों आप यहाँ परसेंट d भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंटर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट u होता है। हमने यहाँ इसे लगा लिया, बंद कर दिया और हमें जो वैल्यू स्टोर मतलब प्रिंट करानी है वो है एड्रेस ऑफ आई, मतलब हमें जो आई की एड्रेस है, जो वेरिएबल हमने ले रखा आई, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। अब सेकंड लाइन में भी हम प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ, और इसमें हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे आई की, कि वैल्यू हमने क्या दी है। वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू परसेंट डी, परसेंट डी, और हमने यहाँ इसे लगा दिया आई, टर्मिनेट किया और गेट सी एच लगाया। गेट सी एच लगाने के बाद ये वैसे बंद किया और इसको सेव कर देंगे। हम यहाँ इसे सेव कर दे रहे हैं पॉइंटर के नाम से ही। अब हम इसे कंपाइल कराते हैं, ये हमारा कंपाइलेशन सक्सेस हो गया और हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ जो हम ऊपर देख पा रहे हैं ये एड्रेस ऑफ आई, मतलब जो हमने वेरिएबल ले रखा है आई, उसकी जो एड्रेस है वो ये है 65524। आई की वैल्यू तो हमने वहां दी ही थी, इनिशियलाइज कर दी थी शुरू में, आई इक्वल टू 3। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी पॉइंटर में वेरिएबल की एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं।